स्वरूपा माँ दुर्गा की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। उस जग जननी कल्याणी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। धरती पर अम्बे क्यों आई हम तुम्हें बताते हैं, हम तुम्हें बताते हैं। उस जग जननी कल्याणी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बिथा उससे छीन लिया, मृत लोक पाताल लोक में भी अधिकार किया। ऋषि मुनियों और देवताओं को बड़ा ही तंग किया, उन दोनों ने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। तंग आकर देवों ने माँ भगवती को याद किया, उन सब की विनती को माँ ने भी स्वीकार किया। मन ही मन रक्षा करने का था वरदान दिया, बड़ी श्रद्धा से अम्बे का वो ध्यान लगाते हैं। महादेवी विष्णु माया पर नाम है शत शत बार, जगदम्बा जग कल्याणी करो हम सबका उद्धार। भव तारिणी है दुर्गा मां नमन तुझे सौ बार, हे दुर्गा दुर्गवासिनी मैया शक्ति की अवतार। हे जग जननी महालक्ष्मी हे सरस्वती माँ, कष्ट हरो मां रुद्र धारिणी कहे जोड़ के हार। अब तो आकर हे अम्बे इस जग का करो कल्याण, हे वरदानी हे महारानी संकट में है प्राण। हे अम्बे हम सच्चे मन से तुम्हें मनाते हैं, पर आए अपने अपने मन से गुण वो देवी का गाएं। गंगा में स्नान करन को पार्वती आई, मौन देवताओं को देख कर वो भी चकराई। किसकी कर रहे हैं स्तुति देवता हो कर मौन, ब्रह्मा विष्णु शिव से बढ़कर आखिर है वो पड़ी है ऐसी कौन विपत्ति सारे घबराए। बोली पार्वती मेरी तो कुछ न समझ आए, सारे देवता गण मिलके उनको बतलाते हैं।
हो बड़े बलवान, एक मैं नारी हूँ कमजोर। ले जा सकते हो ले जाओ, देखूं तुम्हारा जोर। देवी की सुन बात, दैत्य वो क्रोध में आया था, माता की शक्ति को फिर भी जान न पाया था। टूट पड़ा असुरों पर माँ का सिंह हिला के बाल, कुछ दांतों से कुछ पंजों से दुश्मन किए हलाल। धूम्रलोचन को माँ ने मौत के घाट उतार दिया, इस तरह से भगवती देवी ने उसका संहार किया। चंड मुंड लड़ने को उन दोनों के बाद में आते हैं। भवानी के ऊपर वो ऐसे गुर्राए, उन्हें देख के देवी धीरे धीरे मुस्काई। झपटता देख के क्रोध में भर गई थी महामाई, क्रोध के कारण माता का मुख हो गया था काला। विकराल मुख काली के मुख से धध की ज्वाला, काल की पहनी साड़ी, गले में मुंडों की माला। महादुष्टों से आज पड़ा था माता का पाला, माँ का ऐसा रूप देख के वो घबराते हैं। महाकाली चंड मुंड की सेना माँ ने पल में रौंद डाली, हाथी घोड़ों को भी वो दांतों से चबाती थी। सामने जो आ जाए उसी को वो खा जाती थी। भर गुस्से में चंड ने माँ काली पर वार किया, बाल पकड़कर माँ ने उसका मस्तक काट दिया। देख चंड की मौत, मुंड भी माँ की ओर दौड़ा, काट दिया उसका भी सर माता ने नहीं छोड़ा। लुक छिप कर कुछ दानव अपने प्राण बचाते हैं। आई बोली चंडिका देवी से, मैं भेंट तुम्हें लाई। चंड मुंड इन दैत्यों का मैंने संहार किया, मुक्त पापियों के पापों से ये संसार किया। चंड मुंड को मार के तुमने
अच्छा काम किया। जाओ मैंने अब तुमको चामुंडा नाम दिया। चामुंडा के नाम से प्रसिद्ध होगी तुम जग में, दुनिया शीश झुकाएगी आकर के तेरे पग में। आगे क्या होता है ये धीरान बताते हैं। चंडमुंड के मरने से दैत्यों को हुई हानि, 86 दैत्य सेनापति लेकर हमले की ठानी। बड़े बड़े असुरों के पास में भिजवाया संदेश, सारे इकट्ठे दैत्य राज हों ऐसा दिया आदेश। अपनी अपनी सेना ले सब दानव आ गए, भूमंडल पे सारे वो दानव थे छा गए। अलग अलग सब वंश के दानव करते चले ललकार, हाथी घोड़े और पैदल सेना थी बेशुमार। दहाड़ दहाड़ कर वो सारे हुंकार मचाते हैं। नारसिंही ने महादैत्य नाखूनों से मारे, शिवदूती के भय से भागे वो दानव सारे। महादैत्य एक रक्त बीज फिर लड़ने को आया, गिरते खून की एक बूंद से बनती नई काया। हार गई थी सारी शक्ति उस पे वार करती, लेकर चामुंडा फिर रूप नया धरती। जो भी गिरता खून वो माने मुख में ओट लिया, रक्त बीज का पी के लहू चंडी ने खत्म किया। इस तरह से रक्त बीज का संहार बताते हैं। पराक्रमी उन शुंभ निशुंभ को आया क्रोध भारी, एक नारी के हाथों मेरी सेना गई मारी। होठ दबाता शुंभ चला वो महाशक्ति की ओर, उसकी गर्जन से धरती पर शोर हुआ घनघोर। शुंभ और महादेवी में घोर हुआ संग्राम, लेकिन माँ चंडी ने कर दिया उसका काम तमाम। शुंभ की मृत्यु देख के था निशुंभ भी घबराया, क्रोध में भरकर महादेवी से वो लड़ने आया। वो भी काल के मुंह में गया सुर खुशी मनाते हैं।
जलाते हैं उस जग जननी।